ओम शांति। 7 दिसंबर 2020। आज की बाबा की जो साकार मुरली है, स्टार्टिंग विद बाबा ने जो तीन टर्म्स यूज़ की आज की मुरली में, पहली बात बाबा ने कही शिवपुरी, दूसरा कहा विष्णुपुरी और तीसरा कहा रामपुरी। ये तीनों वर्ड्स बेसिकली आत्मा की विभिन्न प्रकार की जो स्थिति है, सृष्टि चक्र की जो क्वालिटी है, युगों में जो सेग्रीगेशन है ड्रामानुसार, उन सभी बातों को डिपिक्ट करता है। जैसे अगर देखा जाए तो बाबा कहते हैं शिवपुरी, यानी एक ऐसी जगह या एक ऐसी स्थिति टू बी मोर प्रिसाइज्ड, जो कि बिल्कुल शून्य अवस्था में है, जो शिव की अवस्था है। शून्य अवस्था मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लॉस्ट हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। शून्य अवस्था मतलब किसी भी प्रकार का, गलती से भी कोई भी विकल्प, कोई भी संकल्प नहीं उठ सकता, क्यों, क्या, कैसे, ये तो नहीं होना चाहिए था, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, इस प्रकार का दूर दूर तक कोई भी विकल्प या संकल्प जब ना उठे तो उसे शून्य अवस्था कहते हैं। बुद्धि अपनी 200% फॉर्म में काम करेगी, लेकिन मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई अजम्पशन बाबा को कभी नहीं उठता, फलाना अच्छा, फलाना बुरा, ना। शिव बिल्कुल शून्य अवस्था में, संकल्पों से शून्य और बुद्धि से भरपूर, और इसीलिए बाबा के साथ मन का योग नहीं लगा सकते, बुद्धि का योग लगा सकते हैं। बाकी लव, अफेक्शन, फीलिंग, दैट इज़ एन इमोशनल एस्पेक्ट, लेकिन संकल्पों के खेल की अगर बात की जाए, सो वी कैन हैव द इंटेलेक्चुअल योग विद बाबा। बाबा इज़ हाईली इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो सकता। सो ज़ीरो कन्फ्यूजन, ज़ीरो क्वेश्चन, एंड दैट इज़ वॉट शिवपुरी इज़। विष्णुपुरी मना इस धरा पर उपस्थित हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विदेही अवस्था है, शरीर है ही नहीं, शरीर है परंतु शरीर में होने के बाद भी विजडम विस्मृत नहीं हुई, देही होने के बाद भी काफ़ी हद तक विदेही स्थिति मेंटेन रही, जो कि सत्युग होगा। और सत्युग और त्रेतायुग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि किसी ना किसी परसेंटेज में कोई ना कोई कमी तो आई, कुछ नहीं तो पॉपुलेशन तो बढ़ा ही, एटलीस्ट तो डिफरेंस तो आ गया सत्युग और त्रेतायुग में। सो दिस डिफरेंस इज डिपिक्टेड बाय द टर्म्स विष्णुपुरी एंड रामपुरी। अगर इसमें एक और टर्म ऐड करें तो रावणपुरी, वो पूरे सृष्टि चक्र को फिर कंप्लीट कर देगा। द्वापर युग से हम लोग रावण के राज्य में आ गए, जहाँ पर आत्मा तमो प्रधानता की जर्नी करनी शुरू कर दी, द जर्नी विच इज़ फुल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसमें देह, देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध, देह से जुड़े संकल्प हमारे जीवन का एक बेसिक और नेचुरल लाइफस्टाइल बनना शुरू हो गया। सच्चाई, जैसे बाबा ने आज की मुरली में भक्ति मार्ग से अगर कॉन्ट्रास्ट या रिलेशन कहा जाए, जैसे भक्ति मार्ग में सत्संग होते हैं, तो बाबा ने सत्संग का डेफिनेशन बताया। सो बेसिकली हमारी बुद्धि द्वापर युग से, यानी रावणपुरी से, सत्य संग से विमुख होने लग गई। लेकिन सच्चा सच्चा जो सत्संग है वो संगम युग पर ही क्रिएट होता है। तो बाबा ने उस सत्संग को मद्देनजर रखते हुए बाबा ने कहा, हम लोगों को डायरेक्शन दिया कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना, डायरेक्शन कह लें, वार्निंग कह लें, सजेशन कह लें, श्रीमत कह लें, कुछ भी कहें, बाबा ने कहा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी का दिल दुखे, तकलीफ हो, चाहे वो मन, वचन या कर्म के द्वारा। अब जैसे देखने में आता है कि बाबा का जो राजयोग मेडिटेशन है उसमें भी विजुअलाइजेशन को मिक्स करने की शुरुआत धीरे धीरे हो गई ड्रामानुसार, परंतु जब बाबा कहते हैं बच्चे किसी का दिल नहीं दुखाना, बच्चे कभी ऐसे बोल मत बोलना कि किसी का दिल दुख जाए, तो क्या इसमें विजडम को मनन चिंतन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं? क्या इसमें बाबा के साथ दिल से दिल का कनेक्शन स्टैब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ,
गॉड फादर द वन हु बिलोंग्स टू मी इज सजेस्टिंग मी समथिंग फॉर माई ओन बेनिफिट, मेरे फायदे के लिए मेरे परमपिता परमात्मा मुझे कोई शिक्षा दे रहे हैं। अब उस बात की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। ये बाबा ने स्पेसिफाई किया आज की मुरली में कि वास्तविक सत्संग अगर देखा जाए तो वो इस समय ही लगता है बाबा के साथ, बाबा के संग। बाबा ने फिर एक और राय दी संगमयुग के लिए, हमारे पुरुषार्थ के लिए, कि जैसे अगर हमें हमारी स्थिति एक रस बनानी है, बार बार फ्लक्चुएशंस ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा ने सरल शब्दों में कहा, फॉर दैट यू नीड टू फॉरगेट योर पास्ट। अतीत की जितनी भी घटनाएं ड्रामा अनुसार घटित होनी थी वो हो गई, वो हो गई और उसको होनी थी। नोबडी कैन एवर स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग। अब उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, उस घटना को बार बार मनन चिंतन करना, बार बार उसको स्मृति में लेकर के आना, ये हमारी स्थिति को बिगाड़ देता है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को डिप्लीट कर देता है। जबकि बाबा ने एक और चीज़ कही कि बच्चे तुम सिकिलधे हो। सिकिलधे मतलब जो बहुत पहले खो गए हैं और अब जाकर मिले हैं। तो ऐसे बच्चों को तो घड़ी घड़ी बाप को याद करना चाहिए, बाबा कहता है। तो इसमें कहीं से भी इमेजिनेशन नहीं है, बिकॉज ये एक स्टडी है। अब कोई लॉ स्टूडेंट अगर है, या कोई मेडिकल स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, या कोई भी पढ़ाई है एक्स वाई जी, कोई बैचलर्स है किसी भी फील्ड में, कोई भी डिग्री है, तो अब उसमें इमेजिनेशन करके तो पढ़ाई नहीं हो सकती। स्टडी हैज़ टू बी स्टडीड, उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ करके कैसे वो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में आ पाएगी उसको समझना पड़ेगा, एंड देन द रियल इम्प्लीमेंटेशन सब्जेक्ट विल इनिशिएट। फॉर दैट वी नीड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड कनेक्शन विद द टीचर। बाबा ने वृंदावन वाली चीज़ को भी स्पेसिफाई किया कि भक्ति मार्ग में वृंदावन को, मधुबन को, ये सारी चीज़ें बोल दी गई, लेकिन वास्तविक मधुबन बाबा ही क्रिएट करता है, जहाँ जाने से ही आत्मा रिफ्रेश हो सकती है, शहद जैसी मीठी बन सकती है। बाबा ने कहा ना कि कॉन्ट्रास्ट है दुनिया में, पुरानी दुनिया नई दुनिया में, लून पानी शीरखंड बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। लून पानी मतलब नमक, यू नो सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर जो होता है, खारा पानी, और शीरखंड मतलब दूध, मिल्क एंड शुगर। सो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई ना दुनिया, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, बाबा कहते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ वी सी, अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए, सपोज जैसे आजकल की दुनिया में अगर आत्मा और शरीर वाली बात को ही बाबा का एग्जाम्पल पिक कर लें, आजकल की दुनिया में हमें आइडेंटिकल ट्विंस देखने में नज़र आते हैं, जिसमें दोनों का चेहरा काफ़ी रिजेंबल करता है। तो महज आइडेंटिकल ट्विंस की जो क्वांटिटी है वो कम है, लेकिन ट्विंस होने के बावजूद कितना कन्फ्यूजन लगता है कई बार। बिल्कुल अगर आइडेंटिकल हैं तो डिफ्रेंशिएट कर पाना भी डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर पूरी दुनिया एक जैसी दिखने लग जाती तो कितना डिफ़िकल्ट होता है ना। क्लासरूम में अगर एक से ज़्यादा नाम भी होते हैं किसी के, है ना, जैसे बहुत कॉमन नेम्स इंडिया में, जैसे आयुषी नाम बहुत कॉमन है ना, कुछ कुछ ऐसे नेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं, क्लासरूम में ही दो दो नाम हो जाते हैं, तीन तीन नाम हो जाते हैं, तो नाम भल सेम होने से भी कितना कन्फ्यूजन है। तो शरीर का वेरिएशन ज़रूरी था इन ऑर्डर टू कंडक्ट द वर्ल्ड इन अ बेटर वे, लेकिन बाबा कहता है आत्मा सेम रहती है, आत्मा का अपीयरेंस बिल्कुल सेम है ना। उसकी लाइट में फ़र्क पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ संस्कार ऑफ द सोल। सिमिलरली बाबा सेड, अपने आप को टाइटल देते हुए, कि बाबा इज़ द ओशन ऑफ नॉलेज। अब परमपिता परमात्मा भी स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट है, तो पुरानी दुनिया का आत्म अभिमानी चीज़ को समझ पाना बिल्कुल डिफ़िकल्ट, और नई दुनिया वो पूरा सोल कॉन्शियस। ऐसे ही बाबा सत्युग की क्वालिटीज़ की तरफ हमारी बुद्धि को ले जाते हैं, कि सत्युग में जैसे हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो मॉडल रियलिटी से तो डिफरेंट ही होता है। सपोज़ कोई इंजीनियर को कहीं बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो जो मॉडल वो बनाएगा उसका सरफेस एरिया जो लिया जाएगा, जितने पैरामीटर में वो आएगा, जितने एरिया को वो ऑक्यूपाई करेगा, वो रियलिटी से बहुत डिफरेंट होगा, है ना। मॉडल जितना एरिया को ऑक्यूपाई करेगा
वो रियल बिल्डिंग से काफ़ी डिफरेंट होगा। मॉडल को तो ऐसे ही कमरे में उठा के रख दो, या जैसे मिलिट्री वाले अपना मैप रेडी करते हैं, तो मैप में कितना छोटा सा एरिया है, ग्लोब में देखें तो कितना छोटा सा एरिया होता है, पर पूरी दुनिया कितनी बड़ी है। ऐसे ही बाबा ने मंदिर को मॉडल कहा। बाबा कहते हैं ये जो मंदिर हैं ये मॉडल हैं सतयुग के देवी देवताओं के रहने के। वहाँ पे बड़े बड़े हर चीज़ बहुत बड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम, लैंड अबंडेंट। जैसे अगर देखें तो ताजमहल किसी ने बनवा दिया सिर्फ इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द लव ऑफ हिज वाइफ, है ना, शाहजहाँ ने अपने प्यार के लिए वो ताज पूरा ताजमहल बना दिया। अब उतने लैंड में लोगों के बंगलो बनते हैं, उससे भी कम में। तो कितना डिफरेंस आ गया है, दुनिया कितनी ज़्यादा पुरानी हो गई है, कितनी पुरानी हो गई है ना। वही कॉन्ट्रास्ट बाबा बार बार हमें रियलाइज़ कराते हैं। बाबा ने जैसे एक शब्द यूज़ किया ना, आत्मा को रियलाइजेशन में लेकर के आना है। विजुअलाइजेशन है ही नहीं मेडिटेशन, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट रियलाइजिंग द सेल्फ। मैं कौन, मेरा कौन, वास्तविक मेरा कौन। बाबा ने भी उन्हीं चीज़ों को बार बार अंडरलाइन कराया, ड्रामा को भी पूरा रिपीट करवा दिया हमारी बुद्धि में, 84 के चक्र को, रमणीक अंदाज में, है ना, शिवपुरी, फिर आपका विष्णुपुरी, फिर रामपुरी, फिर रावणपुरी, अभी संगम युग पर हैं। बाबा कहते हैं अगर ये भी याद रहे कि हम संगम युग पे हैं तो पूरा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाएगा, 84 बर्ड्स की जो साइकिल है वो रिपीट हो जाएगी। बाबा सेड बारंबार खुद को याद दिलाओ कि हाँ पुरुषार्थ तो करना है, क्योंकि पुनर्जन्म में तो सबको आना है। नो बडी कैन स्केप फ्रॉम कर्मा, कभी भी ऐसे मोक्ष की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें अपने आप को बारंबार रिपीट कराओ, है ना। बाबा ये भी कहता जैसे संबंधी हैं, कोई बाप है, कोई टीचर है, कोई गुरु है, दुनियावी रीति से, जैसे ब्रह्मा बाबा के भी गुरु थे, देहधारी गुरु। बाबा कहता अब किसी देहधारी गुरु को तुम्हें याद नहीं करना है, किसी भी देहधारी गुरु को, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारा टीचर हूँ, मैं ही गुरु हूँ। और एक बाप की तरह देखिए बाबा कैसी शिक्षा देता है कि बच्चे कभी भी कोई चीज़ उठाकर मत खाना बिना परमिशन के, वो भी चोरी होती है। तुम बच्चों को चोरी नहीं करनी, तुम्हें बहुत रॉयल रहना है। काम कटारी, माया, माया के प्रति वार्निंग, काम कटारी नहीं चलाना, वो चीज़ तुम्हें बिल्कुल ख़राब कर देगी, डिग्रेड कर देगी। सो बाबा पिक्चराइजेज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस, और ये बुद्धि से समझ लेना ही साक्षात्कार के बराबर है। बाबा कहते हैं अब कांटों से हमें क्या बनना है, फूल बनना है। तो उसके लिए बाबा ने वरदान क्या दिया, गुणमूरत भव, है ना, कड़वे बोल नहीं बोलना, गुणों को धारण करना, गुणमूरत भव, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुणमूरत भव। किसी की निंदा तो नहीं करनी है, लेकिन स्तुति भी नहीं। जैसे बाबा की कई मुरलियों में आता है ना कि बुद्धिमानों की बुद्धि बच्चों मैं हूँ, है ना, आई एम द इंटेलेक्ट ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल पीपल अराउंड यू। जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जितनी भी बुद्धिमान आत्माएं हैं दुनिया में, उन सब की बुद्धि बाबा है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा। बाबा कहते हैं किसी की स्तुति में नहीं फंस जाना, गुणों को देखो लोगों के, अप्रिशिएट करो, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बाबा हो, बुद्धि का योग बाबा से रहे। और इसके पीछे सिंपल और साफ लॉजिक ये है कि व्हेन वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एल्स, तो हम अपनी ओरिजिनलिटी जो क्रिएट कर सकते हैं वो साइड रह जाती है। जैसे कहते हैं ना एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी है। तो बाबा ने कई बार इस चीज़ को ऐसे समझाया हुआ है कि व्हेन यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एल्स, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव जो है, किसी और से जब प्रभावित हो जाते हो तो तुम्हारी जो खुद की आइडेंटिटी है, इंडिविजुअलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। सो रिमेन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बाबा, और फिर जो हमारी खुद की हिडन क्वालिटी है बाबा उसको पॉलिश करके निखार देंगे, तो हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को अटेन कर लेंगे। और बाबा ने स्लोगन में कहा, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है, बिकॉज व्हेन आई एम डिटैच्ड सो आई कैन डिसाइड इन अ बेटर वे, डिसीशन मेकिंग प्रोसेस रिफाइन हो जाता है। अटैच हो करके अगर एक जज अपने बच्चे को, अगर वो गिल्टी है, सपोज मर्डर कर दिया, और जजमेंट ले, तो जजमेंट फेयर नहीं होगा। सो डिटैचमेंट इज़ की टू डिसीशन। ओम शांति।